हाय गाइस, हेलो गाइस, आज हम करेंगे नए चैप्टर की शुरुआत। और कौन लेट आता है भैया क्लास में, कौन लेट आया बताना, चला हमको बताना कौन लेट आया है, जल्दी बताओ। यस, हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11th। दिस इज अ क्लास 11th चैप्टर, क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बायोलॉजी कर रहे हैं हम, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है और ऐसे ही आ गए हैं, तो बच्चों आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ठीक है गाइस। इससे पहले हम लोग डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन चैप्टर भी कर चुके हैं, हमने एक चैप्टर खत्म करा है अभी क्लास 11th में, जो नए नए बच्चे आए हैं, डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, ठीक है गाइस। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच इट, दिस इज द सेकेंड चैप्टर विच आई एम गोना स्टार्ट टुडे। तो गाइस जो भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो उसको प्लीज वॉच इट टिल दी एंड। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा यहाँ पे पढ़ लिया, आज मन कर रहा है पढ़ लेते हैं, कल मन करा नहीं पढ़ेंगे, ऐसा मत करा करो। स्टडी अ कंप्लीट चैप्टर, ओके ओके, कूल गाइस। हाय बेटा, हाय साक्षी पांडे, हाँ जी आशु सिंह, यस बेटा वी विल हैव टेस्ट ऑल्सो, मेंटी ऑल्सो। सर आपकी वॉइस बहुत अजीब है, हैं दिव्यांशी पांडे ऐसे कौन बोलता है भैया, हमारे वॉइस अच्छी आ रही है। गाइस कैन यू ऑल हियर मी क्लियरली, हमें चश्मा ही नहीं दिख रहा है, सॉरी चश्मे में देखना पड़ेगा। गाइस कैन यू ऑल सी मी एंड हियर मी प्रॉपरली, रीकैप्चर टेस्ट ऑन मेंटी, व्हाट इज दिस, हाय सर अभी अभी आपको फिर से यार मुझे लगता है अभिषेक सर की ना क्लास से खत्म नहीं होती हम लोगों के बिना इंक्लूड करे। आजकल टाइम नहीं हो रहा ना, टाइम पास नहीं हो रहा लोगों का, अभिषेक सर जब तक पंगा ना ले उनको समझ नहीं आती। हमारा रोस्टिंग हो रहा है, अब यार छोड़ो, अब हम ना इस चब से ऊपर हो चुके हैं, हम रोस्टिंग पोस्टिंग, मुझे पता तुम लोगों को बड़ा मजा आता, तुम मेरी क्लास में आके कहते अभिषेक सर रोस्ट कर रहे हैं, और अभिषेक सर की क्लास में जाते हो कि अमृत सर रोस्ट कर रहे हैं, मुझे सब पता है, तुम्हारी सारी टेक्निक मुझे समझ आ गई है, और अब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, अब मैं अपना पढ़ाऊँगा, और जिसको पढ़ना है पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ लो, ठीक है। मुझे सारी टेक्निक समझ आ गई, तुम लोगों की निंजा टेक्निक, मुझे मेल कर करके उकसाते हो, और आई बिलीव तुम लोग अभिषेक को भी उकसाते होगे कि अमृत सर ने ऐसा बोल दिया सर, अब मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है जीवन में, और यहाँ पे गाइस नीट के क्वेश्चन भी करेंगे हम, मेंटी भी करेंगे, डीपीपी भी करेंगे, हम सब कुछ कर देंगे पूरी दुनिया में, मतलब हम चैप्टर भी पढ़ते हैं, हम नीट के सवाल भी करेंगे, डीपीपी भी करेंगे। आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि डीपीपी क्या होता है, जिनको नहीं पता है हम उनको नहीं बताएंगे डीपीपी क्या होता है, तुम जान के हमें खुद बताओगे, ठीक है बताना। तो गाइस दिस इज उमंग फॉर क्लास 11th, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। तो दिस इज वेदांतु एनसीईआरटी 11th एंड 12th का टेलीग्राम ग्रुप, लिंक है नीचे, ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ बेटा प्रत्युष, प्रत्युष कुमार कह रहे हैं मेरा नाम ले लो, ले लिया बेटा प्रत्युष कुमार तुम्हारा नाम, अब क्या करें बताओ। यस आगे चलते हैं, तो गाइस वी हर्ड यू उमंग फॉर क्लास 11th एंड 12th, बहुत हमने तो सुन लिया, जोश जोश में आए थे, पहले बच्चे कहते कि सर हमें उमंग करानी है, क्लास 11 शुरू कर दो, क्लास 11 तो स्टार्ट हो गया, बच्चे गायब हो गए। सब्सक्राइब कर लो, जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे या फिर क्लास 11th में भी, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, यहाँ पूरा का पूरा क्लास 11th, पूरा का पूरा क्लास 12th, राज शुक्ला बेटा थैंक यू, हम कंप्लीट कराएंगे, है ना, एंड ट्रस्ट मी यू कैन डेफिनेटली क्लियर नीट बाई स्टडिंग ऑन दिस चैनल, स्टडी बायोलॉजी विद मी एंड यू कैन डेफिनेटली क्लियर नीट, फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ से पढ़ो, यू कैन डेफिनेटली क्लियर नीट, कूल। और देखो डू नॉट टच योर आईज नोज और माउथ, स्टॉप स्प्रेडिंग, ये बेटा ये है हमारा कोरोना गाइडलाइंस। अब कहोगे सर ये तो हमको बहुत पहले से पता है, इसमें नया क्या है, बेटा ये है ऐसा, ठीक है, वनक्कम बेटा मुरुगन वनक्कम वनक्कम वांगो वांगो कूल। तो गाइस ये भूमि है, भूमि जी कह रही है राधे कृष्णा चैनल कविता, सर यू आर बेस्ट, थैंक यू बेटा भूमि, यू आर अमेजिंग, थैंक यू बेटा भूमि, वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स, थैंक यू बेटा भूमि,
ख्वाहिश विश शर्मा, ख्वाहिश सॉल्व ऑल नीट। बेटा देखो, ख्वाहिश ने नीट पीएमटी और एम्स के क्वेश्चन सॉल्व करे और उनको इजी लगा, शी सॉल्व दिस एंड शी फेल्ट इट इजी। ओके, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, स्टडी विद मी एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ओके, आरुषि श्रीवास्तव, थैंक यू बेटा, थर्ड पोजिशन, ओ माई गॉड। अंतरा सर, लव द सेशन एंड यू नो वॉट, आई कंप्लीट ऑल द डीपीपी, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू बेटा। देखो गाइस, सी एवरी डे वी डू 5 क्वेश्चन ऑफ नीट इन द क्लास, ठीक है। आफ्टर द क्लास आई पुट डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स तो नियर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीक्यू कहेंगे हम। बच्चों मैंने आज डिसाइड करा है कि आज से हम हमारे जो पेपर है, क्योंकि देखो बायो में तो प्रॉब्लम होती नहीं है, तो हम कहेंगे डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या कहते हो, डीपीपी की जगह इसको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहा जाए? वोट करते हैं क्लास में, वोट करा जाए, क्या कहते हो बेटा, डीपीक्यू कहा जाए आज से? डीपी बच्चे कहते हैं डीपीपी डीपीपी, डीपीपी तो होता ही नहीं है, प्रॉब्लम तो होता ही नहीं हमारे बायो में। चलो क्या ही बात है, क्या ही रखा है नाम में, क्या रखा है, भावनाओं को समझते हुए हम करेंगे, ठीक है। चलो तो विदाउट मोर टॉकिंग लेट अस स्टार्ट। आज का चैप्टर है ये, आज का चैप्टर है ये बाबा वाला चैप्टर। आज हम इस बाबा के लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अबे यार ये क्या हो गया, ये क्या, व्हाट इज दिस सोसरी? हमने डिसाइड करा है हम बहुत स्लो स्लो पढ़ाएंगे, ये हमने बहुत पहले डिसाइड करे। तो गाइस ये जो अंकल है मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे जो एयर अंदर जाता है उसका क्या होता है और वो क्या करता है। द एयर विच इज गोइंग इन साइड द बॉडी, वेयर इज इट गोइंग, वॉट इज हैपनिंग टू इट। ओके चलो चलो आगे चलते हैं। देन तो गाइस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करेंगे आज हम। क्या करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे आज। ओके ओ माय गॉड गाइस, देखो हम यहाँ पे ना थोड़ा क्या करते हैं, हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब वो नहीं होता पेपर से पहले एक क्वेश्चन देख लेना, मतलब मजा देखो वो नहीं होता पेपर से पहले एक क्वेश्चन पेपर, मतलब आपका एग्जाम है आज और मैंने आपको शाम को ही पेपर दिखा दिया क्वेश्चन पेपर, तो आपकी मौज नहीं हो जाएगी? यस ऐसा हो जाएगा ना, मौज हो गई, तो वैसी मौज। तो गाइस सी व्हेन एवर अ चैप्टर इज देयर ना, उसके पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा, वो चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो ऑथर होता है, ऑथर ने जो क्वेश्चन लिखा है, ऑथर ने चैप्टर लिखा है तो ऑथर ने क्वेश्चन पूछे हैं। मान लो आपने मेरे को एक कहानी सुनाई, ठीक है, और कहानी के बाद आप मेरे से सवाल पूछोगे तो वो कौन से सवाल पूछोगे, इंपॉर्टेंट सवाल पूछोगे जो पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट था। तो उसी तरह अगर मैंने कोई चैप्टर बनाया है उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वॉन्ट स्टूडेंट टू नो। तो क्या, तो हम वो पढ़ के हम पहले क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और बस हम आंसर आंसर पढ़ते हैं। कैसी लगी हमारी टेक्निक कैसी लगी हमारी सर अभी कैसी लगी हमारी टेक्निक गाइज? चलो कूल ग्रेट बेटा, विटामिन्स कम्स अंडर बायोमोलिक्यूल्स, है ना, तो वो पढ़ाएंगे हम ना। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी, हमें नहीं पता वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो इसके बारे में अगर ये हमें चैप्टर में कहीं दिखेगा गाइस, अगर वाइटल कैपेसिटी हमें चैप्टर में कहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उसको झट से पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है, झट से पढ़ लेंगे, है ना, उसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, ठीक है भैया देख लेंगे। स्टेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, मतलब हमारे वॉल्यूम लंग्स में कितना वॉल्यूम रहता है आफ्टर ब्रीदिंग, ये भी हमें देखना, ठीक है, ये भी ध्यान रखो, ये सब चीजें पढ़नी है चैप्टर में, ठीक है। ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स एट द एल्वियोलर रीजन ओनली एंड नॉट इन द अदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्यों? वो कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में होती है, बाकी जगह पे क्यों नहीं होती, ये तो बहुत ईजी है, तो हमें पता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, ये तो हमें पता है कि नहीं पता, ये पता है ना, ये तो बहुत ईजी है, तो हमें पहले से पता है, तो हमें बचपन से पता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑकर इन द एल्वियोलर रीजन एंड नॉट इन द अदर पार्ट, टेल मी गाइस इन द चैट बॉक्स क्यों, बताओ, अरे बताओ तो। यस बेटा प्रियंका, बेटा कसारे, बेटा बताओ, एग्जैक्टली अमृता शर्मा ने बोला कि सर क्योंकि नॉट श्रीयस बेटा, नॉट लाइक, यस अमृता शर्मा सही बता रही हैं, नर्मदा ने बताया नॉट एपिथीलियल मेरे बच्चे गौरी, बिकॉज कैपिलरीज
एल्वोलाई में ब्लड कैप, अरे बकरे, एल्वोलाई में ब्लड कैपिलरीज होती है गाइस, एल्वोलाई में ब्लड कैपिलरीज आर देयर. देखो व्हाट इज द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स इज गाइस द ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे ब्लड कैपिलरीज होती है. व्हाट इज देयर गाइस, हियर ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट. ठीक है, तो यहां पे एक्सचेंज होता है, यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. ठीक है, मेरे ट्रकिया में नहीं होता, मतलब ट्रकिया में ब्लड वेसल्स होती हैं बट उतनी ज्यादा ब्लड कैपिलरीज नहीं होती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली, एंड मोर सरफेस एरिया ऑल्सो, एल्वोलाई का सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है, ब्लड कैपिलरीज भी वहां पे होती हैं, उसकी वॉल्स भी बहुत थिन होती हैं, तभी सारा का सारा वहां पे होता है. तो बचपन में पढ़ा हुआ है हमने. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर ट्रांसियम, देखेंगे दोबारा देखेंगे. ठीक है, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2, मतलब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैवल करता है, किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ये हमने नहीं पढ़ा है बट मैं बताता हूं आपको. जो कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारी बॉडी में बेटा, वो तीन फॉर्म में ट्रैवल करता है. एक होता है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के साथ, एक बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रही. ये बेटा मैं बस अभी आपको इंट्रोडक्शन ट्रेलर देखा है, जैसे कि अभी हमारे सलमान भाई की मूवी आई थी राधे. ठीक है, मैं अभी गाना बजाता बट फिर हमारा ना कॉपीराइट इशू आ जाता है, मतलब अपने मन में गाना बजा लो राधे वाला, है ना. तो ट्रेलर आती है पहले, तो बेटा ये ट्रेलर है, अभी मूवी स्टार्ट नहीं है, ट्रेलर देखिए दिखा रहा हूँ मैं, मूवी देखेंगे अभी अंदर. ठीक है, तो आगे चलते हैं. देन व्हाट विल बी द PO2 PCO2, बच्चों को पता ही नहीं है पी क्या होता है. सर ये PO2 क्या होता है बेटा? पी मतलब होता है पार्शियल प्रेशर. पी होता है पार्शियल, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, व्हाट इज पी? पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है बेटा, पी इज पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर मतलब बेटा होता है कॉन्सेंट्रेशन. PO2 मतलब एक लीटर ऑक्सीजन है, PCO2 मतलब एक लीटर कार्ब, मतलब कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है. मतलब समझ लो मैं कह रहा हूं कि PO2 है मान लो 100 ml और PCO2 है मान लो 1000 ml. तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसा कुछ. समझ गए, पार्शियल प्रेशर मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है. ठीक है, समझ आ गया सर, आगे चलो. तो ये पूछ रहा है कि भैया व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर एज कंपेयर्ड टू द एयर. मतलब ये पूछ रहा है एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, यही है ना सवाल. व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर व्हेन कंपेयर्ड टू द एल्वोलर एयर. जो एल्वोलाई में एयर है, ठीक है, जो एल्वोलाई में एयर है और उसके मुकाबले बाहर एयर है, ऑक्सीजन किस में ज्यादा होगी बताओ, ऑक्सीजन किस में ज्यादा होगी गाइस, बाहर वाली एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है कि अंदर वाली में एयर में ज्यादा है? अरे बताओ भैया चार्ज बॉक्स में बताओ हमको. हाँ बेटा अबू जरार, अबू जार बैग बताओ बेटा. SPO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. एग्जैक्टली, बाहर ज्यादा होगी, बाहर ज्यादा होगी एंड मेरे एल्वोलाई में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का. दैट इज वाई आई गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, आई टेक इन ऑक्सीजन. ठीक है बेटा, तो दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, है ना, ये समझ आया हमें. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब एक्सप्लेन कि व्हाई एयर इज गोइंग इनसाइड, हाउ इज एयर गोइंग इनसाइड, व्हाई इज एयर गोइंग इनसाइड बेटा, क्योंकि क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग, द वॉल्यूम ऑफ माई लंग इज इंक्रीजिंग. देखो बाहर ऑक्सीजन एयर है, मेरे लंग का वॉल्यूम बढ़ गया है. व्हाट इज हैपनिंग, द वॉल्यूम ऑफ माई लंग इज इंक्रीजिंग. उसकी वजह से क्या होता है, जो लंग का प्रेशर है कम हो गया, है ना, प्रेशर कम हो गया, तो एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. समझे? यस, बूझे कि नहीं बूझे? यस बेटा समझे. व्हाई इज एयर गोइंग इनसाइड माई लंग्स, क्योंकि जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है. जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बाहर का हाई प्रेशर से अंदर के लो प्रेशर में द वॉल्यूम, सॉरी द एयर गोज इन. एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, चलो सबको समझ आ गया. नेक्स्ट, हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड, मतलब रेस्पिरेशन कंट्रोल कौन करता है, कि कितना तेज, कभी कभी हम लोग
We are breathing very fast. Come sometimes we are breathing very slow. Who controls that? We will talk about it. Brain में एक region होता है, वो देखेंगे हम. और भी regions होते हैं, है ना, which control the breathing. We will talk about that. Then, what is the effect of partial pressure of carbon dioxide on oxygen transportation? मतलब, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड में कितना है, मतलब ज्यादा है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क पड़ता है. आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो क्या फर्क पड़ता है. तो वी विल टॉक अबाउट इट. पहले बताओ, समझ आ रहा है क्या पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर में? अच्छा लग रहा है? मतलब इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट, इजंट इट इंटरेस्टिंग और नॉट, कि व्हाट आर वी गोना स्टडी इन द चैप्टर. नाउ व्हेन वी फेस इट वी विल अंडरस्टैंड इट. यस गाइस, इंटरेस्ट आ रहा है कि लग रहा है अरे यार ये तो बहुत बोरिंग होने वाला है. यस, आई फील सो इंटरेस्टेड इन दिस. ग्रेट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अपहिल. मतलब कोई इंसान पहाड़ों पे जा रहा है तो इसके रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या चेंजेस होंगे हम देखेंगे. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट, है ना, वी विल टॉक अबाउट इट कि व्हाट इज गोना बी हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द इंसेक्ट. इंसेक्ट में गैसियस एक्सचेंज कहां होता है ये भी देख लेंगे. डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये क्या है बेटा? एक कर्व होगा, हम पढ़ेंगे. ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा ना इस पे ध्यान रखना, क्योंकि ये बोल रहा है डिफाइन करना उसको. कैन यू सजेस्ट द रीजन फॉर द सिग्मॉइड पैटर्न? हम देखेंगे. देयर इज अ कर्व गाइस व्हिच विल बी लाइक दिस. एस शेप का कर्व होगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. एस शेप का कर्व होगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस इन नीट ऑल्सो एंड इन इन केस ऑफ दिस थिंग ऑल्सो. मतलब कॉन्सेप्चुअल है, बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में. ठीक है, तो हम देखेंगे. देन हैव यू हर्ड ऑफ हाइपोक्सिया? हाँ, जब ऑक्सीजन कम होता है that condition is called as hypoxia. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. और फिर distinguish between IRV and ERV. ये क्या है सर IRV, ERV? बेटा IRV is inspiratory reserve volume, ERV is expiratory reserve volume. ये क्या है? We will see. अभी क्या आपको देखना है कि जहां पे भी हमें IRV दिखेगा we need to understand it is important और हमें पढ़ना है. Then inspiratory capacity, expiratory capacity ये भी देखेंगे. वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी. बेटा ये दिस इज बेसिकली आपके लंग के वॉल्यूम्स पे, मतलब कितना आप वॉल्यूम ब्रीथ कर सकते हो, कितना एक्सहेल कर सकते हो, कितना फोर्सफुली ब्रीथ कर सकते हो, कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हो. दिस इज ऑल व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट इट. ठीक है, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? सेम चीज गाइस, ये तो इतनी सारी वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है? कैन वी से दीज वॉल्यूम्स आर इंपॉर्टेंट? कैन वी से दिस? कैन वी से दीज वॉल्यूम्स आर इंपॉर्टेंट? मतलब जहां पर वॉल्यूम, इतना सारा वॉल्यूम वॉल्यूम हो रहा है, तो कैन वी से दिस इज इंपॉर्टेंट? यस गाइस, यस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में भी आता है गाइस, नीट में भी आता है, स्कूल के एग्जाम में भी आता है. ठीक है सर, तो भैया हमें समझ आ गया कि क्या पढ़ना है. अब हमें पूरा पता चल गया कि क्या पूरे चैप्टर में व्हाट वी हैव टू स्टडी. यस गाइस, नाउ वी नो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द एंटायर चैप्टर. यस, ग्रेट, कूल, कूलियो. कोरोना लंग्स को कैसे डैमेज करता है बेटा? नम्रता, मुझे आइडिया नहीं है. आई विल गेट बैक टू यू व्हेन आई गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है, चलो चले अब आगे, चले चैप्टर करें. अब देखो, अब बहुत मजा आएगा. अब चुटकी में चैप्टर हो जाएगा, मतलब चुटकी में तो नहीं हो जाएगा. चलो देखो, ब्रीदिंग क्या होता है बेटा? देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग आर डिफरेंट. ब्रीदिंग इज जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन, दैट इज ब्रीदिंग. बस ब्रीदिंग क्या होता है बेटा? जब मैं बस ब्रीदिंग खत्म हो गया. रेस्पिरेशन बड़ा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज एन एलैबोरेट प्रोसेस. रेस्पिरेशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेशन इज गाइस, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप. पहले आपने, है ना, आपने ब्रीथ करा, ऑक्सीजन अंदर आ गया आपके लंग्स में. सेकंड स्टेप गाइस, जो ऑक्सीजन आपके यहां पे आई है ये ब्लड में जाती है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गोज इनटू द ब्लड. द सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गोज इनटू द ब्लड. थर्ड स्टेप, ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड गोज टू टिश्यूज. मतलब
देखो मैंने ब्रीथ करा, ऑक्सीजन मेरे लंग्स में आ गई, लंग्स से अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में। देखो हवा गई लंग्स में, लंग्स से कहाँ गया, मेरे ब्लड में। अब ये ब्लड से कहाँ जाएगा बेटा, ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाएगा, इट विल टेक टू ऑल द बॉडी, मतलब यहां से लंग्स से अब ये ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन आ गया, सॉरी ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गया। अब ये ब्लड इट विल टेक इट टू माय मसल्स, इट विल टेक इट टू माय लेग्स, इट विल टेक इट टू माय ब्रेन, इट विल टेक इट टू माय किडनी, इट विल टेक इट टू माय इंटेस्टाइन एंड एवरीवेयर। समझे थर्ड स्टेप? यस टेल मी द चैट बॉक्स, आई डिड यू अंडरस्टैंड द थर्ड स्टेप, टेल मी द चैट बॉक्स, यस टेल मी द चैट बॉक्स गाइस, डू यू अंडरस्टैंड? यस बेटा विनोद अरोड़ा, ग्रेट, परफेक्ट। देन फोर्थ स्टेप इज गाइस, फोर्थ स्टेप इज टिश्यू के अंदर होता है ना, टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल्स। अब ये सेल्स क्या करते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा यहां पे, क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब टिश्यूज के अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब ये जो ऑक्सीजन है सेल्स के पास आ गया है, अब मान लो मैं सेल हूं, मेरे पास ऑक्सीजन आ गया है, अब मैं इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके मैं एनर्जी बनाऊंगा, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना मेक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेलुलर इसमें व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोइंग टू मेक एटीपी। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस गाइस, द पर्पस इज मेकिंग एटीपी। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हम पढ़ रहे हैं बस ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कहां तक पढ़ेंगे हम पहले तो ये तो पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, ब्रीदिंग पढ़ेंगे, हाँ जी पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स ने ब्लड को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, है ना, तो एक्सचेंज हुआ गैस। ब्लड ने लंग को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज कर दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है गाइस, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। ब्लड ने टिश्यू को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, टिश्यू ने ब्लड को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, हाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हम पढ़ेंगे, ये इसमें नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे, ये प्लांट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गया क्या पढ़ने वाले चैप्टर में, चैप्टर नेम इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वी विल टॉक अबाउट ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वी विल नॉट स्टडी सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो इंस्पिरेशन मैंने बताया, ब्रीदिंग में क्या होता है बेटा, टू स्टेप्स होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन, दिस इज टू स्टेप्स इन ब्रीदिंग। ओके, ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्रेश एयर इज टेकन टू द लंग्स, एक्सपिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन अप बाय द वीनस ब्लड, वीनस ब्लड मतलब जो वेन में ब्लड होता है। ठीक है बेटा, देखो जब एटीपी बनता है सेल में, मैं सेल था, मुझे ऑक्सीजन मिला, उसको यूज करके मैंने एटीपी बनाया, तो बेटा बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाई प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो कि ब्लड वापस लंग्स में लेके आता है। तो देखो मैंने ब्रीथ करा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड लंग्स को क्या देता है, ब्लड लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देता है विच इट हैज ब्रॉट फ्रॉम द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, विच इट हैज ब्रॉट फ्रॉम द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यस बेटा देयर विल बी मेंटी, फोकस, कूल बेटा, आता है, मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे बेटा। असाद यू विल अंडरस्टैंड, यू स्टडी विद मी, आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है बेटा, चलो अभी आगे चलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे चलते हैं। देन अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है देख लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब अमीबा वगैरह लोग कैसे एक्सचेंज करते हैं बेटा गैस, बॉडी सरफेस, अमीबा, एनलिड्स और फ्रॉग, फ्रॉग भी अपने बॉडी के सरफेस से एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो तनव गौतम मेंढक है, मान लो जो तनव है वो फ्रॉग है, तनव गौतम इज अ फ्रॉग, तो तनव गौतम हाउ इज ही एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन कैसे लेता है, तनव गौतम अपनी स्किन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन ले लेता है सराउंडिंग से। ठीक है, लो बेटा तुम्हें इग्नोर नहीं करा तनव गौतम, तुम्हें हमने क्लास में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, कहाँ गए तनव गौतम, भाग गया, और किसी को इग्नोर फील हो रहा है, नहीं, ठीक है चलो। तो तनव गौतम फ्रॉग बन गए थे, उन्होंने अपनी बॉडी के सरफेस से गैस को अब्सॉर्ब कर लिया। देन फिशेस, टैडपोल है ना, ये सब गाइस ब्राकियल रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, ब्राकियल रेस्पिरेशन। ब्राकियल मतलब गाइस, यस, गिल्स होते हैं, है ना, गिल्स में
बेसिकली दे यूज दिस थिंग एंड ब्रैकेल मतलब गाइस देखो दिस इज स्ट्रक्चर इट्स अ स्ट्रक्चर विच इज यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देन क्या हमने इंसेक्ट के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा था एक्सरसाइज में? यस गाइस, क्या हमने इंसेक्ट के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था? हाँ. तो इंसेक्ट में क्या है गाइस? ट्रकियल ट्यूब्स होती हैं. इंसेक्ट में व्हाट इज देयर? ट्रकियल ट्यूब्स आर देयर व्हिच हेल्प इन यस गाइस एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं. ट्रकियल ट्यूब मतलब मान लो ये है एक कॉकरोच है. इसकी बॉडी पे बेटा पोर्स होते हैं और इसके अंदर ऐसे ट्यूब्स होती हैं. इसके अंदर ट्यूब्स होती है कॉल्ड एज ट्रकियल ट्यूब्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रकियल ट्यूब्स होती हैं. इतनी अच्छी नहीं होती ये, तो मैंने ऐसी बना दिया रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम. यह है हमारे कॉकरोच. गेस करो ये कौन सा कॉकरोच है. तो आगे चलते हैं. ठीक है, ये वो वाला. तो आगे चलते हैं. ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा. देन वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स पे क्या होता है गाइस? लंग्स होता है. लंग्स इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, वर्टिब्रेट में लंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. लंग से हम ब्रीदिंग करते हैं. ठीक है बेटा, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द गाइस. वी आर गोना कंप्लीट द एंटायर क्लास 11th. ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा आपका मतलब पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. समझ आ गया. नाउ अब बेटा देख लेते हैं एक बार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है. लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, लेट अस सी बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक ये मान लो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ये ह्यूमन है. ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे होता है एक ट्रकिया. ऐसे ठीक है बेटा, दिस इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना बेटा. ध्यान रखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. देखो ये जो है ना मेरा आगे रेस्पिरेटरी ट्रकिया है, इसके पीछे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है. समझ, अगर मैं खाना खाता हूं तो ये मेरा ब्रीदिंग ट्रकिया है, ठीक, इसके पीछे ये डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक, आगे चलो. ऐसे राइट गाइस, तो इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. कूल, ग्रेट बेटा, ध्यान से देख लो. ठीक है, सी ये रीजन होता है, ये होता है फैरिंग्स. दिस इज फैरिंग्स. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लैरिंग्स और फैरिंग्स में. बेटा देखो ये पूरा रीजन है, ये फैरिंग्स होता है. ध्यान से देखो, ये फैरिंग्स है, ये रीजन है फैरिंग्स. दिस रीजन इज फैरिंग्स. ओके, फोकस. दिस रीजन इज फैरिंग्स. ओके, दिस इज फैरिंग्स. दिस इज लैरिंग्स. यहाँ जो एडम्स एप्पल है, दिस इज लैरिंग्स. ठीक है, ये होता है लैरिंग्स. ये क्या है? लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स इज कॉल्ड एज गाइस वॉइस बॉक्स. क्या कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं. ठीक है, वेरी गुड सर. फिर ये है हमारा ट्रकिया. ये क्या है हमारा? ट्रकिया. क्या गाइस? ट्रकिया. फिर ये नीचे क्या है? ये है ब्रोंकाई. ये क्या है गाइस? ब्रोंकाई. ट्रकिया है, देन देयर इज ब्रोंकाई. ठीक है बेटा, ब्रोंकाई स्प्लिट्स फर्दर इनटू ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स. फिर ये फाइनली जो गोभी की तरह, ये है एल्वियोलाई. ये जो गोभी की तरह, अरे यार ये क्या हो गया? ये जो गोभी की तरह है गाइस, दैट इज एल्वियोलाई. यस ठीक है, दिस इज एल्वियोलाई ओवर हियर है ना बेटा. फिर ये जो सी शेप्ड है, ये डोम्स ऑफ एक मसल है, इसको कहते हैं गाइस डायाफ्राम. इसको कहते हैं मतलब डायफ्राम आपकी यहां पे होता है गाइस. ये क्या करता है? देखो ये डायफ्राम होता है, इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी. ये एब्स वाला रीजन है ना, ये थोरैसिक कैविटी और एब्स, एब्डोमेन को डिवाइड करता है. यहां पे देखो, मतलब देखो ये यहां पे ऐसा होता है, यहां पे होता है, ये एब्स को, एब वाले रीजन को, और इसको डिवाइड करता है गाइस. आप समझ पा रहे हो?
अरे उसको मत देखो, मेरे डायग्राम को देखो, इतना सुंदर बनाया मैंने, इसको देखो, तुम इसको मत देखो, भूल जाओ इसको, समझ रहे हो इसकी बातों को? यस, ठीक है। अभी तक क्या देखा हमने? हमने देखा भैया फैरिंग्स देखा, हमने फैरिंग्स देखा, लैरिंग्स देखा, और देखा जापा सारे जग में। आई नो वेरी बैड जोक बट एनीवेज, तो दिस इज फैरिंग्स देखा हमने, ये हमने लैरिंग्स देखा, ठीक है, फैरिंग्स देखा हमने, लैरिंग्स देखा, फिर ट्रकिया, ठीक है बेटा, ट्रकिया आया, फिर ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई, ठीक है सर। देन ध्यान से देखो बेटा, ये जो ट्रकिया है ना बेटा, इसके ऊपर जो ट्रकिया के ऊपर क्या है बेटा, जो ट्रकिया है ना उसका टॉप पोर्शन इस बना के दिखाता हूँ आगे। अरे यार जगह नहीं है, ओ ये तो हमें कॉकरोच मिटाना पड़ेगा अपना, चलो अपना कॉकरोच मिटा लेते हैं, बताते हैं आपको। बड़ी मेहनतों से हमने कॉकरोच बनाया था, बट एनीवेज, तो लेट अस सी गाइस, ठीक है। हम क्या कह रहे थे, हाँ तो बेटा देखो, ट्रकिया है ना, जो ट्रकिया ऐसा होता है, ठीक है, ये ब्रोंकाई है बेटा, जो ट्रकिया का टॉप पोर्शन ये देख रहे हो ना, ये है लैरिंग्स, समझ रहे हो, मतलब ट्रकिया का टॉप पोर्शन इज लैरिंग्स, और जो ओपनिंग है यहां पे, जो ओपनिंग है इसको कहते हैं ग्लॉटिस। मतलब मान लो ये ट्रकिया है, ठीक है, ये पूरा ट्रकिया का पाइप है, ट्रकिया का टॉप पोर्शन ये लैरिंग्स हो गया, इसका ऊपर वाला दिस इज ग्लॉटिस, ये जो ऊपर वाला है दैट इज ग्लॉटिस, गाइस समझ रहे हो, मतलब ग्लॉट देखो, ये ट्रकिया है, ट्रकिया का ऊपर वाला पोर्शन इज लैरिंग्स, देखो जैसे कि मैं पूरा, मेरे को मान लो मैं ट्रकिया हूं, मैं पूरा ट्रकिया ही हूं ना, मेरा जो हेड है ये लैरिंग्स है, मतलब मेरा जो हेड है ये लैरिंग्स है, बट मैं जो, मेरा हेड भी तो ट्रकिया का पार्ट है, तो लैरिंग्स से पार्ट ऑफ ट्रकिया, और मेरा जो ओपनिंग है, ये जो ओपन वाला पार्ट है, ये है ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस के ऊपर गाइस एक फ्लैप ऑफ स्किन है, देयर इज अ कार्टिलेजनस फ्लैप ऑफ स्किन, कार्टिलेजनस स्किन है और मेम्ब्रेन है, विच इज कॉल्ड एज एपी ग्लॉटिस, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर, एपी ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस के ऊपर, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है बेटा, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड। अरे बेटा अदिति अग्रवाल क्यों इग्नोर करूंगा, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, कूल, ठीक है बेटा। और यहां पे क्या है हमारे पास, ट्रकिया में गाइस ध्यान से देखो, यहां पे ना सी शेप्ड रिंग्स होती है, ट्रकिया में देर आर सी शेप रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द ट्रकिया। गाइज आप ध्यान से देखो, आप मान लो आपके पास एक पॉली बैग है, पॉली बैग में आप एयर ब्लो करो, तो पॉली बैग विल स्वेल अप, इट विल स्वेल अप, देन यू सक द एयर आउट ऑफ इट, इट विल कोलैप्स। एक पेपर बैग ही ले लो, पेपर बैग में यू डू, इट विल ओपन अप, व्हेन यू सक द एयर इट विल क्लोज। तो क्या, व्हाई, तो गाइज सेम थिंग शुड नॉट हैपन टू योर ट्रकिया, मतलब आपने ब्रीथ करा, एक्सेल कर, आपका चिपक गया ट्रकिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। तो टू प्रिवेंट दैट देयर इज दिस सी शेप रिंग्स टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द ट्रकिया, ठीक है, समझ आ गया इतना, चलो सर समझ आ गया, अब आगे चलो, है ना, समझ आ गया भैया हमें, समझ आ गया वॉइस, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, हमें फेरिंग्स समझ आ गया, हमें एल्वियोलाई समझ आ गया। अब बेटा देखो, जो लंग्स है ना, लंग्स की कवरिंग होती है, लंग इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरा, कौन सी रा, प्लूरा, क्या बेटा, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा, द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एज प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना बेटा, एक नहीं होती, दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भी होता है, प्लूरा के बीच में क्या होता है गाइस, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, जैसे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ब्रेन में, उसी तरह यहां पर प्लूरल फ्लूइड होता है। चलो सर आगे देखते हैं, चलो अब ध्यान से देख लो गाइस, भैया रेस्पिरेटरी पाथवे देख लेते हैं, लेट अस लुक एट द रेस्पिरेटरी पाथवे। हमने ब्रीथ करना शुरू करा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से एयर अंदर गई, है ना बेटा, नेसल पैसेज, ये जो देखो ये नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स इज ओपनिंग, ओपनिंग फिर ये नेसल पैसेज, यहां से अंदर देखो, ये नेसल पैसेज है, ये पैसेज है, ये क्या है, नेसल पैसेज, ठीक है बेटा,
फिर आता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स मतलब ये वाली रीजन में, यहाँ पे अब एयर आ गई, एयर यहाँ से अंदर गई यहाँ पे आ गई। फिर आती है एयर लैरिंग्स में, हाँ लैरिंग्स में आई। फिर आती है ट्रकिया में, हाँ ट्रकिया में आई। फिर आई ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा सेकेंडरी ब्रोंकाई बनती है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर यहाँ पे टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंका, और यहाँ पे क्या बनता है एल्वियोलाई। समझ आया गाइस? फ्लो ऑफ एयर मतलब आपने ब्रीदिंग करना शुरू करा, नॉस्ट्रिल्स अंदर गई, नेजल चेंबर में, चेंबर से फैरिंग्स में, फैरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रकिया में, ट्रकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी। ये तो बहुत ही समझ गए, है ना बेटा? कूल। फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स में आती है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट मतलब एल्वियोलर की पाइप। फाइनली एयर कहां पे आती है बेटा? एल्वियोलाई में आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे एक्सचेंज हो रहा है, जो मैंने एयर ली यहां से घुस के फाइनली कहां पहुंचती है? एल्वियोलाई में पहुंचती है। और एल्वियोलाई में आके क्या होता है, जो एयर आई है यहां पे एल्वियोलाई में, यहां से ये कहां जाती है? ये जाती है ब्लड में। फ्रॉम द एल्वियोलाई द एयर गोज इनटू द ब्लड। आई होप दिस इज क्लियर। यस गाइस, क्लियर है? इतना जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक पूछ लो। Yes, guys, tell me. All clear. Wow. Why alveoli not collapse? बेटा alveoli is not collapsing क्योंकि alveoli बहुत ही एंड पे है, ठीक है, और वो इतना बड़ा नहीं होता। सी यहां पे there is lot of air going and lot of air coming out with pressure. Can you feel your alveoli? Can you feel? You can feel till ट्रकिया और अंदर तक फील कर सकते हो। एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई तक हमें पता ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, इट इज नॉट कोलैप्सिबल, है ना बच्चे? बेटा एंड वाला ब्रोंकियोल मतलब, देखो बच्चा पूछ रहा है टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या है, मैं बताता हूं। देखो बेटा, देखो ब्रोंका इज लाइक अ ब्रांच, मतलब आपने ट्री देखा है, ट्री देखा है, ये ट्री है, ट्री का ब्रांच निकला है ना बेटा, फिर इस ब्रांच से दो ब्रांच और निकले, फिर इसके और ब्रांचिंग हो गई, समझ रहे हो? तो क्या हुआ, ये प्राइमरी ब्रांच हो गई, ये सेकेंडरी ब्रांच हो गई, है ना, इसमें से जो निकलेगा वो टर्शियरी ब्रांच हो गई, फिर इसके आगे भी जो निकलेगा वो टर्मिनल ब्रांच होगी, फिर यहाँ पे लीव्स हैं, समझो? तो ये एल्वियोलाई हो गया, समझे बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांच, फिर टर्मिनल ब्रांच, और टर्मिनल ब्रांच के बाद लीव्स, मतलब सबसे एंड वाली ब्रांच है, समझे बच्चा? टर्मिनल ब्रोंकियल समझे कि ना समझे? सर इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल सेम? नो बेटा पुष्पिता, ब्रोंकाई देखो, ब्रोंकाई का डायमीटर बड़ा होता है, ब्रोंकियोल छोटे। देखो सेम ट्री वाला एग्जांपल, यू सी दिस इज द मेन स्टेम, दिस इज द मेन ट्रकिया, दिस इज ब्रोंकाई, और ये जो लास्ट वाला स्टेम है, दिस स्टेम इज बिगर ना, दिस बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन ब्रोंकियोल्स। यस बेटा पुष्पिता, समझ आया बेटा? यस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब बेटा स्किन वाला रेस्पिरेशन। सुनीति समझ आया? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई इज बिगर वन, ब्रोंकियोल इज पतला। बेटा ब्रैकियल मतलब गिल्स जैसे स्ट्रक्चर से रेस्पिरेशन होता है, दैट इज ब्रैकियल। ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल इज बेटा पाइप टाइप थिंग। अरे यार समझे? ब्रांच बेटा, ब्रांचिंग देखो ना, देखो ये ब्रोंकाई हो गया, ये ब्रोंकियोल हो गया, मतलब ब्रोंकाई का और ब्रांच करते हो तो ब्रोंकियोल हो गया, उसी तरह का, ठीक है बेटा। पोजीशन में इतना ज्यादा दिमाग में इतना ज्यादा जोर मत डालो, देखो इतना ज्यादा डोर मत डालो। देखो ये मेरी ट्री है, ठीक है, ये मेरी ट्री है, ये ट्रकिया है ना, ट्रकिया से एक ब्रांच निकला, ये क्या प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये यहां से निकले, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गए, ठीक है, अब इसमें से भी ब्रांचिंग निकली, ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो गए, फिर यहां पे फाइनली एक एक निकला, ये टर्मिनल ब्रोंकाई हो गए, अब यहां पे लीव्स हैं, तो ये हो गया मेरा एल्वियोलाई मान लो, समझ रहे बेटा? देखो अब बताओ क्या ये वाला ब्रांच और ये जो लास्ट वाला ब्रांच है सेम है? नहीं ना, ये तो ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा मोटा है, ये बहुत पतला है और इस पे लीव्स है, समझे कि नहीं समझे? यस गाइस, टेल मी चैट बॉक्स में। यस एग्जैक्टली, ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। एल्वियोलर डक्ट बेटा, ये वाला मान लो एल्वियोलर डक्ट हो गया, ये वाला, ये जो छोटा सा पाइप है, ये एल्वियोलर डक्ट, ये लीव्स क्या थी हमारी? एल्वियोलाई थी ना,
तो एल्वियोलाई के पास में जो डक्ट है वो एल्वियोलर डक्ट मान लो, समझ रहे हो? बोसा कि नहीं बोसा है, समय आने पे सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, चलो सब कूद के दिखाओ। आगे चलते हैं। या अब बड़ा ध्यान से देख लो, अब इसमें दो पार्ट है, एक है कंडक्टिंग पार्ट, देखो बेटा एक है कंडक्टिंग पार्ट, ये तो नाम में लिखा है, कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्टर है, कंडक्ट मतलब पासेज है, कंडक्टिंग मतलब क्या हो गया बेटा, जो पैसेज है मतलब जो रास्ता है, एक्सचेंज पार्ट जहां पे लेन देन चल रहा है, ठीक है, मतलब जहां लेन देन चल रहा है, समझ रहे हो? समझे, कंडक्टिंग मतलब रास्ता, और मतलब मान लो आपको एक बहुत बड़ी डील करनी है, ठीक है, आपको डील करनी है, मेरे साथ कोई डील चल रही है आप लोगों की, ठीक है, तो आपने बोला है कि अमृतसर हमें चाहिए गोल्ड, हमने कहा ठीक है 1 करोड़ रुपए लेके आ जाना इस रास्ते में, ठीक है, इधर हमारे घर आ जाना, तो तू जो रास्ता लोगे मेरे घर पहुंचने तक वो है कंडक्टिंग पाथ, फिर मेरे घर में बैठ के जो हम एक्सचेंजिंग करेंगे, आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दोगे मैं आपको गोल्ड दूंगा, वो है एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। तो एक्सचेंज पार्ट कहाँ हो रहा है बेटा, एक्सचेंज पार्ट एल्वियोलाई में हो रहा है, एक्सचेंज कहां पे हो रहा है, एल्वियोलाई में, और जो रास्ता आपने कंडक्टिंग पाथ कहां से लिया बेटा, दैट इज नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, फिर ट्रकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ऐसे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बेटा कंडक्टिंग पाथ में क्या होता है, देखो जो कंडक्टिंग पाथ क्या करता है, जब आप ब्रीदिंग करते हो ना तो आपके जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट वगैरह, ट्रैप कर लेते हैं, और जो एयर होता है ना उसको वार्म, वो वार्म होता है, मतलब जो एयर अंदर जाती है वो ठंडी होती है। आपका बॉडी का टेम्परेचर पता है कितना होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37, और बाहर की एयर होती है 24 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसा होता है। तो जब ये अंदर जाती है ना तो आपकी बॉडी जो एयर अंदर जाती है वो वार्म हो जाती है, ठीक है। तो जो कंडक्टिंग पार्ट क्या कहता है, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स इट टू द बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो आप एयर को ब्रीथ करते हो कंडक्टिंग पार्ट को क्या कहता है, उसको टेम्परेचर को चेंज करता है। एक्सचेंज पार्ट में क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है, तो बहुत ही ईजी है ये, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा, ये हमने देख लिया भैया ह्यूमन रेस्पिरेशन में, गाइज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, फैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स द कार्टिलेजनस बॉक्स है ना बेटा, लैरिंग्स बेटा पूरा कार्टिलेज का बना होता है, जो लैरिंग्स है ना, ये जो लैरिंग्स है ट्रकिया के ऊपर वाला रीजन, ये पूरा का पूरा कार्टिलेज, ये मान लो लैरिंग्स है, ये किस चीज का बना हुआ है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आपने गिटार देखा है, गिटार, गिटार में क्या होता है बेटा, गिटार ऐसा कुछ होता है, और यहां पे ऐसा एम्प्टी सा होता है, यहां पे होता है ना बेटा, तो इस पे आप करते हो तो आवाज निकलती है, उसी तरह आपके लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो गिटार की तरह बजते हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो गिटार की तरह बजते हैं। तो सिंगर क्या करते हैं, सिंगर अपने गले वाले गिटार को क्या कर लेते हैं, उसको महारत हासिल कर लेते हैं, हासिल कर, बहुत ही गंदी सड़ी हुई हिंदी बोल रहा हूँ मैं, बट या वो करते हैं, वो एक्सपर्टीज कर लेते हैं, जैसे आप गिटार में एक्सपर्टीज करते हो, जो सिंगर्स होते हैं वो अपने वोकल कॉर्ड्स पे एक्सपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है लैरिंग्स में, ठीक है, कार्टिलेज का बॉक्स होता है, तो ये हम कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बता रहा। देन थोड़ा और आगे जाओ, है ना बेटा, एक एपिग्लॉटिस के बारे में भी देख लिया, एपिग्लॉटिस क्या था बेटा, लैरिंग्स इज कवर्ड बाय कार्टिलेजस, सॉरी मतलब ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय कार्टिलेजस फ्लैप, दैट इज एपिग्लॉटिस। फिर हमने देखा ट्रकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ये कहां पे होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के पास, मतलब देखो बेटा ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, बोन्स है आपके, ठीक है। तो ये वाला रीजन होता है ना, ये सर्वाइकल होता है, नेक इज सर्वाइकल, ये थोरैसिक रीजन होता है, तो थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक के ये थोरैसिक रीजन है, यहां पे जो वर्टिब्रे इसको थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं, है ना बेटा। तो फिफ्थ वर्टिब्रे, थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्रे के पास में आके ये डिवाइड होता है। पता नहीं इतना डिटेल में क्यों पूछ रखा है, इतना होता नहीं, वैसे मैं बता रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। नाउ ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन, मतलब ब्रोंकाई से ब्रोंकाई का बच्चा निकलेगा, फिर यहां से एक और बच्चा निकलेगा, फिर यहां से एक और बच्चा निकलेगा, फिर यहां से एक और निकलेगा, मतलब ऐसे ट्री की ब्रांचिंग की तरह निकलता है, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ऐसे ब्रांचिंग होती जाती है।
बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर टेक्स प्लेस थ्रू आउट द कंडक्टिंग पैसेज. अक्षिता बेटा प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मेनली इन द नॉस्ट्रल्स. फिर आपने कभी देखा गले में खराश थू बेटा सब थूकना वूकना चाहिए नहीं ठीक है. तो इट इज थ्रू आउट दैट है ना. एंड इफ इट इज रीचिंग समवेयर एल्स यू स्टार्ट कफिंग कफ करते तो दैट इज ऑल्सो यू नो क्या. तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस यस तो और क्या देखा हमने बेटा. ट्रकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रकिया है ठीक है. फिर हमने देखा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन एल्वियोलाई. बेटा देखो एल्वियोलाई टर्मिनल ब्रोंकियोल है ना. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स. मतलब ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स ये सब मिलकर क्या बनाते हैं लंग्स बनाते हैं ठीक है भैया. हमने देखा डबल लेयर वॉल है प्लूरा. प्लूरा क्या है बेटा कवरिंग ऑफ द लंग्स. मान लो लंग्स आपका रसगुल्ला है. रसगुल्ले को आपने कवर कर रखा है बाई प्लूरा. एक नहीं दो कवरिंग और दोनों कवरिंग के बीच में क्या है चाशनी. प्लूरल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द प्लूरा है ना बेटा. इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. प्लूरल फ्लूइड है प्लूरा के बीच में मतलब दो प्लूरल है. मतलब देखो प्लूरा रसगुल्ला है. रसगुल्ले पे दो कवरिंग है और दोनों कवरिंग के बीच में चाशनी है ताकि रसगुल्ले में फ्रिक्शन ना हो जाता. ओह माय गॉड हमको रसगुल्ला चाहिए. हमको भूख लग गया है. किस किस को रसगुल्ला चाहिए यार. ये खाने वाने का नाम ना आजकल बहुत रेस्ट्रिक्शंस हो गई है. एक तो बाहर हम जा नहीं पाते कुछ आ नहीं पाता. बच्चों क्या कहते हैं लॉकडाउन वॉकडाउन खत्म करो यार. बहुत हम बहुत परेशान हो गए हैं. हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. हमें बहुत गुस्सा आ रहा है ना दुनिया जिंदगी से. हमारे गोलगप्पे और मोमोज तो गायब हो चुके हैं. ऐसा लगता है जिंदगी में मोमोज और गोलगप्पों का सर्वनाश हो चुका है धरती पे से. मोमोज गोलगप्पे ये सब चीज़ें रोड आ रहा है. नमक खाना चाहिए दुनिया में. मतलब ये ऐसा क्या है इसकी कोरोना को. तो मैं तो मेरे को मिल जाए इसको बाथरूम में बंद करके मारेंगे इसको. इसकी चटनी बना देंगे. क्या कहते हो बच्चों. मतलब एक साल आ गया चले जा दोबारा आ गया. मतलब दोबारा आ गया इतने लोगों को. मतलब ऐसा कौन करता है. मतलब बताओ. आई नो राइट. मतलब बहुत बहुत खराब है तो बेटा मोमोस 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 की याद आ गई. मोमोस एंड गोलगप्पे. देयर वाज अ टाइम ठीक है मैं जब पढ़ाता था पहले तो मैं यू नो मेरे ऑफिस के सामने मोमोस मिलते थे. तो आई यूज़ टू लाइक यू नो मोमोस खाते थे गोलगप्पे खाते थे. बताओ अब फ्रूट्स खाते हैं. Did you take vaccine? बेटा I did not get a vaccine. देखो करेंगे तो बट एनी वेज थोड़ा रुक जाओ ना बेटा. कोई बातें सुन के पहुँच मत जाना कि हमें गोलगप्पे खाना है. थोड़ी देर रुक जाओ ठीक है. तो वी विल हैव इट कभी 3-4 महीने बाद खाएंगे ठीक है. और ज़्यादा ही हो रहा है तो घर पे बना लो. तो आगे चलते हैं. चलो सारी क्लास का कॉन्सेंट्रेशन डगमगा गया है मोमोज और गोलगप्पों की बातों पर. पूरी क्लास का कंसंट्रेशन हिल गया है. पता नहीं कौन ऐसी बातें करता है खाने की क्लास में. कौन किसने छेड़ी ये बातें खाने की बताओ. किसने छेड़ी ये बातें खाने की. चलो आगे चलते हैं. तो गाइस देखो तो इट रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द लंग्स ठीक है. ओ मैंने छेड़ी थी क्या. कोई बात नहीं कभी कभी खाने की बातें करनी चाहिए क्लास में ठीक है. चलो तो गाइस दस ओके. तो क्या कहते हैं द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज. बेटा ऑब्वियसली जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक कैविटी के उसमें और इनर वाली लंग के. ये तो हमें पता ही है भैया. ये तो ऐसा कह रहा है देखो. मतलब इसका कहने का मतलब है जो मेरी टी शर्ट है इसकी इनर सरफेस मेरी स्किन से टच्ड है और आउटर सरफेस एयर से टच्ड है. मतलब कैसी बातें करते हैं. कंडक्टिंग पार्ट हमें समझ आ गया और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट क्या है गाइस. एल्वियोलाई है ना बेटा. एल्वियोलाई एंड डक्ट इज द रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट. एंड कंडक्टिंग पाथ क्या है गाइस. ब्रोंकियोल्स का कंडक्टिंग पाथ है. ग्रेट बेटा देखो ये थोरैसिक चेंबर है ना. ये पूरा थोरैसिक रीजन होता है. ये पूरा थोरैसिक रीजन ये चार तरफ से पूरा पैक्ड है. मतलब डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है. बैक साइड पे क्या है वर्टिब्रल कॉलम. बैक साइड पे क्या है वर्टिब्रल कॉलम. फ्रंट साइड पे क्या है स्टर्नम है ना. साइड्स में क्या है रिब्स. और नीचे की तरफ क्या है इसमें. नीचे की तरफ है डायफ्राम.
देखो पीछे डॉर्सल, बेटा देखो बायो में टर्म्स याद कर लो, डॉर्सल मतलब होता है बैक, डी फॉर डॉर्सल, देखो डी दिख रहा है, डी डी फॉर डॉर्सल, कैन यू सी द डी, डी फॉर डॉर्सल, वी वी नेक टी शर्ट होती है, वी फॉर वेंट्रल, वी वी शेप टी शर्ट होते हैं, वी फॉर वेंट्रल, ठीक है, लेटरल, लेटरल मतलब होता है साइड्स, लेटरल मतलब होता है साइड्स, ठीक है, यस, तो ये हो गया है ना बेटा, तो ये हो गया, देन समझ आ गया, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, वी वेंट्रल मतलब आगे से, स्टर्नम, स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन, लेटरली बाय द रिब्स मतलब यहां पे रिब्स है बेटा, देखो ये स्टर्नम है मेरा, यहां से यहां तक रिब्स, रिब्स अटैच्ड है, ठीक है, देन लोअर साइड पे हमारा डायफ्राम है, लोअर साइड पे यहां पे क्या है, डायफ्राम, ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हमें समझ आ गया, हमारे लंग्स का सेटअप समझ आ गया, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैसिक सच दैट वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल रिफ्लेक्टेड इन द लंग, मतलब ये कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी वाले भैया कह रहे हैं कि आपके इस कैविटी का सेटअप ऐसा है, इस पूरा, ये पूरा सेटअप ऐसा है कि मान लो कोई भी वॉल्यूम में चेंज आएगा यहाँ पे इस एरिया में, वो लंग में भी चेंज करेगा, मतलब देखो लंग्स क्या है, मान लो तो बलून है आपके अंदर, ठीक है, तो ये कह रहा है ये जितने भी एरिया में मान लो इसका, इस एरिया का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपके लंग का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर इसका एरिया का वॉल्यूम कम होगा तो इसका लंग का भी वॉल्यूम कम होगा, तो ऐसा है, मतलब ऐसा सेटअप है ये, मतलब इतना बढ़िया एयर टाइट सेटअप बना रखा है इन्होंने, है ना, दिस सेटअप इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, वो तो हमें पता चल गया है, ठीक है, ये ऐसा सेटअप है। तो गाइस मैंने बताया था रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ये स्टेप्स है रेस्पिरेशन, क्या है ब्रीदिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन, मैंने बताया था पहला स्टेप क्या है ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वियोलाई मेम्ब्रेन, मतलब एल्वियोलाई से गैस गई ब्लड में, दिस इज द सेकेंड स्टेप, थर्ड ब्लड से मतलब ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और यस गाइस ये मतलब ये सेम ही है, ब्लड लेके जाके इसको किसको देता है, टिश्यू को, और फाइनली यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, फाइनली यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल्स। ये कौन है, ये एच के वी लॉग कह रहा है गाइस कम टू पी डब्ल्यू क्लास, क्यों भैया हमारी क्लास में क्या कमी है, ऐसी क्या दिक्कत है, वाह बड़े शरारती बच्चे यार हैं, इतनी मुश्किलों से तो रो दो के हमारे थोड़े बच्चे आने लगे हैं, हैं उनको भी लेके जाना चाहते हो, शर्म नहीं आते तुम्हें गाइज कम टू दिस क्लास, क्यों भैया क्यों जाए तुम्हारी क्लास में, इधर आओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो इसकी साइकिल चोरी कर लो बच्चों, इसकी साइकिल की ना हवा निकाल दो, ये जो लड़का नया आया है इसकी साइकिल की हवा निकाल दो, इसको पकड़ो, इतनी मुश्किल से तो हम बच्चे पकड़ पकड़ के लाते हैं, ब्लैकमेल कर करके लाते हैं, मुझे कोई भी बच्चा कोई भी डाउट पूछता है ना, मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी 11 12th के चैनल पे आके बताओ हैं, एक कौन है, इसकी साइकिल की हवा निकाल दो, जाओ क्यों जाए भैया, तुम्हें जाना तुम जाओ, हमारी क्लास में आके क्यों कर रहे ऐसे हैं जैसे कि हमने बोला है हमारी क्लासों के, हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, बट मत जाओ क्योंकि तुम लोग चले जाओगे हम रात को बहुत रोएंगे, कोने में बैठ के सिसक सिसक के रोते हैं हम फिर, ठीक है, तुम मत तो चलो आगे चलते हैं, मेंटी करेंगे, बहुत पढ़ाई होगी, अब हम करेंगे मेंटी, ठीक है, तो बच्चों तुम लोगों ने कभी किसी की साइकिल की हवा निकाली है, हैं? यार ये दो बच्चों को पता कैसे चल गया, यस गाइस किसी ने कभी किसी के साइकिल की हवा निकाली है मेरा एक दोस्त था, ठीक है, आज तक हमें समझ नहीं आई है कि मतलब उसकी साइकिल चोरी हो जाती थी ट्यूशन सेंटर से, ठीक है, तो उसके ट्यूशन सेंटर से ना साइकिल चोरी हो जाती थी, तो हमें आज तक डाउट है कि उस वो चोरी करवाता था कि उसकी खुद चोरी हो गई थी, अभी भी वो डाउट क्लियर नहीं हुआ, वो बताता नहीं है, अभी मैं दिल्ली गया था ना तो उससे बात कर ही रहे थे, तो साइकिल से मुझे एकदम से याद आ गया,
हाँ तो गाइज ये रहा हमारा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा बेटा दीपांशी नहीं कर सकते चेंज, हमारी क्लास की टाइमिंग के चक्कर में हमारी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, यस गाइज, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, आरक्यू, रेस्पिरेटरी कोशेंट और एरोबिक रेस्पिरेशन। यस गाइज, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसको क्या कहते हैं? यस, एग्जैक्टली गाइज, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ही मुश्किल सवाल था ये, बहुत ज्यादा टफ सवाल था, बहुत बड़ा। ज्वाइन तो करना था, तुम ज्वाइन करना हो तो कब करोगे? वेरी गुड बेटा सिंसी, आई फॉरगॉट माई नेम अभिनव। हैं, अब ये कैसे जीत गया? ये तो एक ही सवाल में जीत गया, ये कौन है? ये क्या हो गया, धोखा? एक ही सवाल में कैसे जीत सकते हो? अरे बच्चों एक मिनट रुक जाओ, ये क्या बात होगी? एक सवाल हुआ है और जीत गया बच्चा। बच्चों दोबारा खेलेंगे, चलो चलो सब दोबारा आ जाओ, हम दोबारा से खेलेंगे, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, होती रहती है। बच्चों दोबारा खेलेंगे, दोबारा ज्वाइन कर लो सारे दोबारा से आ जाओ, दोबारा रीस्टार्ट, हम गेम दोबारा खेल रहे हैं, ठीक है? एग्जैक्टली दोबारा गेम स्टार्ट होगी। बच्चे कहेंगे कितने एमएचआर से टीचर हैं, कुछ काम नहीं करते, क्या करें बेटा, एमएचआर हैं हम बहुत ज़्यादा। यह है कोड, है कोडवा है 4656 6281। मार्का बेटा अपना नाम लिख लो, जितना बड़ा नाम लिखना है लिख लो, अपना बढ़िया से नाम लिख लो, ठीक है? अपना बढ़िया से नाम लिख लो, ठीक है? आगे चलते हैं। चलो मुझे लग ही रहा था वो तो लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लगा था वो लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा था। चलो चलो बेटा, Which of the following structures close the glottis during swallowing to prevent the entry of the food pipe? Entry of the food in the windpipe. अच्छा, tongue, epiglottis, diaphragm or larynx? What prevents entry of the food in the windpipe? बताओ। बेटा अब मैं प्रवोक नहीं हूँगा, लूबना बेटा अब मैं प्रवोक नहीं हूँगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं चुपचाप से आऊंगा, चुपचाप से पढ़ाऊंगा, चुपचाप से चले आऊंगा। यस, एपिग्लॉटिस बहुत ही इजी सवाल है। यस गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स क्लोज द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वालोइंग? यस बेटा, ग्लॉटिस इज द कवरिंग ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्रकिया, उसको कवर करता है एपिग्लॉटिस, ताकि खाना ना जाए। मेहुल फैन ऑफ वसीम भट्ट सर, ओ माय गॉड, केमिस्ट्री के सर के फैन आए हैं यहाँ पे, वेरी गुड। सिम्बा, अहम, फरा, जितिन, बाफना, सौम्या, डॉक्टर सेंटीपीड, एल्सा, अमृता, अमृता स्टूडेंट एंड रिबित, ग्रेट जॉब गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू बेटा ब्यूटी क्वीन। अरे ये क्या हो गया? Which of the following option is incorrect about larynx, the sound box? It's a bony box. Glottis is the opening of the larynx. C, during swallowing food, glottis is covered by epiglottis to prevent entry of food into the larynx. All of these. Which of the following is incorrect? इसमें से incorrect कौन सा है? जल्दी बताओ। Exactly guys, it is a bony box. Which of the following option is incorrect? Larynx is a bony box. नहीं, larynx is a cartilaginous box. है ना, cartilage का बना हुआ है। हमने देखा ना, larynx में cartilage है। It is mainly made up of cartilage. It contains cartilage, है ना? Very good बेटा मेहुल,
एडी डू यू रिमेम्बर? यस बेटा एडी मेरे एक वो थे, मेंटर थे एडी सर. देन देवयांश, डिंपल, नायरा, पिंकी, गौरी, मार्कवा, प्रंजल गुप्ता, भूमिका, ग्रेट जॉब बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मार्कवा आ गया है क्लास में, सब बच के रहना. थर्ड क्वेश्चन ये रहा, हिकअप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, व्हाट आर हिकअप्स? फोर्सफुल सडन एक्सपायरेशन, फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग वाइल स्लीपिंग, और जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन. व्हाट इज हिकअप? बेटा अभिषेक गुप्ता, ये नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा. अभिषेक दो चैप्टर तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना हम क्लास ट्वेल्थ का, है ना अभिषेक? दो चैप्टर हो चुका है, तीसरा चैप्टर कर दिया हमने स्टार्ट, है ना? तो हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक. एग्जैक्टली गाइस, देखो हिकअप्स क्या होता है तो वो इट इज जर्की इनकम्प्लीट. तो यार बहुत ही कॉमन था ये क्वेश्चन, आपने गलत कैसे करा? देखो फोर्सफुल सडन एक्सपायरेशन मतलब ये तो नहीं होता, आप अपने आप से तो नहीं कर रहे हो, है ना? बी इज फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग. हिकअप्स क्या डीप ब्रीदिंग के टाइम पे होता है? नहीं, हिकअप इज शैलो ब्रीदिंग ना, वो शैलो ब्रीदिंग होता है हिकअप्स, है ना? गाइस देखो, वाइब्रेशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग वाइल स्लीपिंग. हिकअप्स आपके स्लीपिंग के टाइम पे आते हैं बेटा, स्लीपिंग के टाइम पे तो नहीं आते, और वाइब्रेशन थोड़ी ना होता है, इट इज जर्की, जर्की इनकम्प्लीट. गाइस देखो, ये क्वेश्चन बिना पढ़े आप कर सकते थे. दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर्ड विदाउट स्टडींग. गाइस ट्रस्ट मी, नीट में ना, नीट में आपको बता रहा हूं, अगर आपने अपना कॉमन सेंस भी यूज कर लिया ना, आप आराम से, मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, मेनी क्वेश्चंस विल बी वेरी कॉमन सेंसिकल. ठीक है, इट इज जस्ट बच्चों को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो करते नहीं है. ये क्वेश्चन बस पढ़ के आपको ईजिली करना चाहिए था. वेरी गुड बेटा, मेहुल, एडी, देवांश, भूमिका, सिया, यू आर माई फेवरेट. थैंक यू बेटा सिया, यू आर माई फेवरेट. अंशु सिंह, वानी मैम, स्टूडेंट्स क्लैपिंग्स गाइस. देन ख्वाशी, ख्वाइश शर्मा, आदित्य, अमृतसर की स्टूडेंट, वाओ, पारोमिता रे, रोहित, ग्रेट जॉब. बेटा मेरे को लगता है ना थोड़ा टाइम ना कल्ट बन जाएंगे. कल्ट मतलब पता है क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं, कल्ट इज ग्रुप, मतलब ये हमारी कल्ट है, ये हमारी कल्ट है. मतलब कल्ट मतलब होता है यू नो ग्रुपिंग, ग्रुप बाजी, मतलब बच्चे कुछ ना कुछ करके ग्रुपिंग शुरू कर ही देते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? मच डेवलप्ड लैरिंग्स ऑफ ह्यूमन मेल इज कॉल्ड. ह्यूमन मेल का जो डेवलप्ड लैरिंग्स है उसको क्या कहते हैं? अरिस्टोटल्स लैंटन, सीरिंग्स, एडम्स एप्पल और म्यूलर्स ऑर्गन. ये तो बहुत ईजी है. जो मैन का लारिंग्स जो एक्सटेंड होता है उसको क्या कहते हैं गाइस? कम ऑन, वी एग्जैक्टली गाइस, द आंसर इज एडम्स एप्पल. द आंसर इज एडम्स एप्पल. सर ऑप्शन सी भी तो हो सकता है, बिकॉज इट शुड बी ट्रिकियर. कौन सा क्वेश्चन बेटा? प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट लैरिंग्स? ये वाला क्वेश्चन. अबे यार सारा ताम झाम ऊपर नीचे हो गया है. क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू ना. बेटा लैरिंग्स इज द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्रकिया, तो सही तो है ये क्वेश्चन. Larynx is the top portion of the trachea. तो
बेटा देखो ये ट्रकिया है, लैरिंग्स के ऊपर ही तो एपिग्लॉटिस होता है, लैरिंग्स के ऊपर ही तो एपिग्लॉटिस होता है, समझे कि नहीं समझे? ये देखो जिंदगी में हमारे ये बोर्ड नहीं चलते हैं बेटा समझ आया कि नहीं समझ आया? बेटा देखो दिस इज ट्रकिया, सी ट्रकिया पूरा ट्यूब है, ट्रकिया का जैसे कि मैंने बताया था मैं पूरा ट्रकिया हूं, मेरा हेड लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रकिया ओनली ना, और ये ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस इज द टॉप ऑफ ग्लॉटिस, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस है। यस आई होप समझ आया होगा। चलो रोशनी बेटा, रोशनी इज लाइट। तो हमें लास्ट क्वेश्चन करना है ना, अभी हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सीधा। एडम्स एप्पल, एग्जैक्टली गाइस द आंसर इज एडम्स एप्पल। चलो ओ ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे। यस तो देखें टॉप कौन किसने करा है, टॉप करा है देखते हैं। ओके गाइस भूमिका ने टॉप करा है, क्लैप्स फॉर भूमिका। एंड गाइस एवरीवन टेल मी आपका मेंटी में क्या पोजीशन था, ठीक है? टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट वाज योर पोजीशन इन मेंटी, मुझे बताओ मेंटी में आपका क्या पोजीशन था। एंड इसी बात पे आज हमने क्या पढ़ा गाइस, आज हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सेस के क्वेश्चन देखे गाइस, वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ट्रस्ट मी यू डू दिस चैप्टर विद मी वंस, आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द नीट ऑल्सो गाइस, नीट क्वेश्चन। ये चैप्टर करने के बाद आप मेरे को नीट के क्वेश्चन करना गाइस। आपने डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन चैप्टर में जिन्होंने भी मेरे साथ करा था, क्या आप लोगों ने नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे? यस मुझे बताओ चैट बॉक्स में, जिन्होंने भी पहला चैप्टर मेरे साथ करा है क्या आपने नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उस चैप्टर के? गाइस प्लीज प्रैक्टिस करो उसके, एक बार देखो कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन इज गाइस, व्हाट इज द पैसेज ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट द पैसेज ऑफ द एयर, व्हाट इज द पैसेज ऑफ द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बताना मुझे इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? एंड गाइस यस एक और चीज, ओ माय गॉड एक और चीज गाइस, वेदांतु के प्लेटफॉर्म के बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द वेदांतु प्लेटफॉर्म? गाइज इज वेदांतु प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग पढ़ाते हैं, वेयर ऑल द पेड क्लासेस हैपन। वेदांतु प्लेटफॉर्म पे गाइज ऑल द पेड क्लासेस हैपन, लेट मी शो इट टू यू। ये हैंग हो चुका है, एक मिनट रुक जाओ। Yes guys, this is Vedantu paid platform guys. एक बार देख लो इसको। Here if you see guys, Vedantu की जो paid platform होते हैं, they have offer many courses for class. Yes guys, 11th and 12th both. ये मेरी video चल रही है, ये मैं चला क्यों नहीं पा रहा इसको? Yes. Okay. Yes, guys. So, guys, Vedantu platform pe we offer. ये चल क्यों नहीं रहा है? ओके अब चलेगा क्या ये? यस हाँ तो गाइस ये वेदांतों का प्लेटफॉर्म इफ यू सी क्लोजली, ठीक है? यहां पे वी गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस, यहां पे लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है लाइक दिस, अ टीचर इज टीचिंग ओवर हियर एंड यू कैन स्टडी विद द टीचर। कैटाबॉलिक बेटा मतलब ब्रेकडाउन,
मतलब एक बड़े से मॉलिक्यूल को आप तोड़ते हो उसको कहते हैं हम कैटाबॉलिक प्रोसेस. एनाबॉलिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के आप बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हो, दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है. यस गाइस, वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे यू गेट अमेजिंग पेड कोर्सेज. यहाँ पे नीचे आओ, हियर यू कैन सी, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी गाइस, डीपीपी इज देयर, आफ्टर द क्लास जॉइन द डीपीपी. देन वी हैव, यस गाइस, गेट 10% ऑफ ऑन प्रो सब्सक्रिप्शन. वेदांतु के प्रो पे 10% ऑफ होगा. यू कम ओवर हियर, इस लिंक पे जाओगे. देयर आर थ्री टाइप्स, लाइट, क्लासिक एंड प्लस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोर्सेज, लाइट, क्लासिक एंड प्लस. लाइट पे गाइस यू गेट एक्सेस टू द ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस. ठीक है, जैसे ये हो रही है इससे अच्छी क्लासेस होती है वहां पे डिसिप्लिन आपका बैच होता है गाइस, लाइव क्लास होती है. आप, यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल. ठीक है, एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल. देन गाइस पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स एंड नोट्स आर गिवन, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो हैपन्स, है ना बेटा. देन पर्सनल मेंटर ऑल्सो यू गेट, अगर आप प्लस कोर्स लेते हो यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर जो कि आपकी वन ऑन वन क्लासेस करेंगे, फिजिक्स की वन ऑन वन, केमिस्ट्री की वन ऑन वन क्लासेस, या फिर बायोलॉजी की वन ऑन वन क्लासेस, जो भी मतलब आपको वन ऑन वन सीखना है वो सिखाएंगे. ठीक है, क्लासिक में क्या होता है बेटा, यू गेट एक्सेस टू अ डाउट ऐप, आपको वेदांतु के डाउट ऐप का एक्सेस मिलता है ना बेटा. हम बेटा लाइव होते हैं 8:30 को. देन तो गाइस दिस लाइट कोर्स इज द बेस्ट वन. गाइस आई वुड से कि एक बार आके ट्राई कर लो. ठीक है, ट्रस्ट मी, ये बेटा नागवरुण, मोस्ट ऑफ यू विल बी लुकिंग फॉर ट्यूशंस, है ना. वेदांतु एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन ऑल द ऑफलाइन कोचिंग्स आर ऑफ, दिस इज द बेस्ट अवेलेबल कोर्स. ठीक है, ट्राई फॉर वन मंथ, क्लिक इन ओवर हियर. द कोर्स प्राइस इज 2610 रुपीज, इट इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. सारा का सारा पूरा का पूरा कोर्स होगा. You can pay with the help of Paytm, Amazon Pay, Phone Pay. कैसे करना है guys? This is my video over here. ये video चल रही है मेरी, है ना. इसके नीचे आओ, come below the video. You can see Vedantu Pro. Click here to get 10% of Vedantu Pro. You can click over here. And guys, you can check. You can take up Light, Classic and Plus. Guys, highly beneficial classes. ठीक है, it will definitely boost your score. मतलब trust me. जो भी बच्चा अभी जिसके स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है उसको डिफिकल्टी हो रही है, दिस इज द कोर्स फॉर यू. ठीक है, गिव अस अ चांस वंस, एक बार आके ट्राई करो, देन यू कैन डिसाइड. ओके, सो व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी बेटा? इट हैपेंस एवरी डे एट 8:30. आई वुड से एट दिस पॉइंट इन टाइम बेटा, अमीशा, आश्रिया, यू शुड अटेंड बोथ द क्लास 11th एंड 12th. आश्रिया बेटा आपको दोनों क्लास अटेंड करनी चाहिए. यस गाइस, होमवर्क क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द फ्लो ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? व्हाट इज द फ्लो ऑफ एयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? सही, ओके, थैंक यू बेटा, कूल बेटा, करवाएंगे मेरे बच्चे आदित्य, करा देंगे, सब करा देंगे आपको, कूल. तो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, कीप स्माइलिंग, डू लेट मी नो योर मेंटी स्कोर, एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट. I'll see you in the next class. Bye-bye. We will complete this chapter, guys. Homework ka mujhe answer batana. Bye. Good night.